हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। सरकारी बजट है, गौशालाएं हैं, फिर भी गायें मर रही हैं, आखिरकार क्यों? पशुपालन विभाग के हिसाब से जो बजट गायों के लिए आ रहा है उनकी देखभाल और खान पान के लिए, उससे कुपोषित गाय ही जिंदा रह सकती है। ऊपर से इस बजट का बंदर बांट सरकार से लेकर के गांव तक होता है, तो ऐसे में कुपोषित गायें भला कितने दिन जिंदा रह सकती हैं? रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारी गायें गौशालाओं में मर रही हैं, तो बहुत सारी एक्सीडेंटों में मारी जा रही हैं। आपके यहाँ तर्रा में तो इतना बड़ा गौशाला बना हुआ है, उसका सिस्टम ये चल रहा है कि पिछले बार जो गाय बेड़ी गई थी वो गाय खत्म हो चुकी है। वो लगभग 450 गायें थी, वो धीरे 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 उनको जो है ट्रैक्टर में लाद लाद के रोड के किनारे फेंका जा रहा है। जब वो ख़त्म हो गई तब दूसरी भर्ती चालू हो गई है। अब ये दूसरी भर्ती कर रहे हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे तो तीसरी भर्ती चालू होगी। यानी यहाँ गौशाला केवल नाम का है, वहाँ न पानी की व्यवस्था है, न सही चारे की व्यवस्था है, न व्यवस्था उस तरह की है कि एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए कोई कमज़ोर जानवर है तो को जो ताकतदार जानवर है उसको मार रहा है वो मर जाएगी। ना कोई जानवर चारा डालते हैं, ना दाना डालते हैं, सबको तनख्वाह देते हैं। एक यहाँ हत्या तो हो ही रही खुले, हम सबको देखता है कितना नुकसान हो रहा है। बताओ निजी कहाँ तक सरकार से ना कोई मदद करते हैं कि सरकार कुछ इसके लिए वो करे, मंगाए राशन पानी दे, भूसा चारा पैरा के लिए कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ सब जानवर मरे पड़े हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही, भूखन मर रहे हैं इतने जानवर, सैकड़ों जानवर कितना जाएगा? सरकार क्या कर रही है? सरकार सब चश्मा लगाए बस देखती है, मारुति कार में वो घूमते हैं, कहीं योगी कहीं मोदी। प्रधान ने कहा है कि मतलब जानवर बंद किए जाएं, डीएम का आदेश है। जानवरों की बिल्कुल कमजोर स्थिति आ चुकी है, कोई कोई जानवर बिल्कुल बैठ गया है तो खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये हालत है। मुगस गाँव में जो गाय मरी है तो आपको कैसे पता चला है? हम सुबह टाइम आ रहे थे कॉलेज, तो जब हमने आके देखा कि पहले 12 गायें पड़ी थी, फिर बताया जा रहा है कि जब पहला ट्रक उनके ऊपर चढ़ा है तब वो निकल गए, वो मतलब बचने के चक्कर में अब ट्रक को उसने भगाया, फिर उसके बाद जब दूसरा ट्रक आया तो वो भी उन्हीं के ऊपर चढ़ाए चला गया है। इसी तरह से 12 की 12 गायें 2 ट्रकों में ख़त्म हो गई हैं। गाँव की ये स्थिति है और इसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, मैं तो सीधे से कहूँगी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। आपने कहा गौशालाएं होने के बावजूद भी, मैंने पहले ही एक लाइन प्रयोग किया कि गौशाला नाकाफी है। हम गौशाला पर गायों को संरक्षित नहीं कर सकते, और यदि संपूर्ण गायों को संरक्षित करना है गौशाला के अंदर तो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत गौशाला, यानी कि हर गाँव में एक गौशाला चाहिए, तब गायें संरक्षित रह सकती हैं। वैसे अन्ना जानवर को छोड़ना ये कानूनी अपराध भी है, इस दशा में उसको जेल भेजा जा सकता है, लेकिन चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर यह सब हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह जिलाधिकारी को भी निर्देशित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसमें पूरा प्रयास चल रहा है। हमारे यहाँ लगभग चारों जनपदों में 2 लाख के करीब गौवंश अन्ना है, जिसमें हम कोशिश करने के बावजूद भी 100% उनको संरक्षण केंद्रों में नहीं ले जा पा रहे हैं। कोई भी सरकारी योजना तभी संभव सफल मानी जा सकती है जबकि उसमें जन सहभागिता भी पूरी तरह से हो। और यहाँ इसमें मैं निश्चित कहना चाहूँगा कि यदि हमारे पशुपालक बंधु पूरी तरह से सहयोग करें तो अन्ना प्रथा भविष्य में हम बिल्कुल समाप्त करने की स्थिति में पहुँचेंगे, और शासन स्तर से ये सारी क्रियाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। शासन स्तर से 30 रुपये ही निर्धारित किया गया है, जहां तक मैं समझता हूं कि इससे शायद पूरा नहीं पड़ पाता, इससे हम उनको दूसरे खनिज लवण और दाना वगैरह देना संभव नहीं। बहुत जगह ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं हैं जिनके बारे में हम ये कह सकें कि वो ठीक हैं, तो ये हम ग्राम समितियों से, ग्राम पंचायतों से, जो प्रधान हैं, सचिव हैं, उनसे सभी से अनुरोध करते हैं, और जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनको ये बताते भी हैं कि इनकी व्यवस्था करना हमारे दायित्व में है
और हमें इसकी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जो शासन द्वारा सुविधा मुहैया कराई जा रही है उसको ईमानदारी के साथ हम उस पर करें तो संभव है कि हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। गांव प्रेमी सरकार इन मरती गायों को भला कैसे देख सकती है? कहीं ये तो नहीं कि गौ प्रेम के आड़ में कहीं माया जाल तो नहीं छिपा है? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।